फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई देख रहे हैं जाने की बजाय भारत को, नहीं सॉरी, जलाने की बजाय भारत को झुक कर सलाम करो मूर्खों। जलने के बजाय जलने की ये पाकिस्तान को बला जा रहा है। नहीं, मैं तो कहती हूँ जलो जलो, जल जल के भुन के खत्म हो जाओ भैया। तुमने सलाम करना है देखते हैं उन्होंने, तुम उस मेरे साइड ख्याल पर, से हमें उन्होंने तुम्हारा बोला सलाम होगा। चाहिए ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी मेंटालिटी, तुम्हारी देखते सोच हैं इतनी भाई खराब साहब ने, उन्होंने है। बोला नहीं बोला, विल सी। चलो देखते हैं। नहीं भी बोला तो वो मतलब उनको तो समझ यही में है। आ जाना चाहिए, क्योंकि और कोई तुम्हारे बिल्कुल पास ऑप्शन है ही नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड अगर करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जब जलजला आया है, सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है। वो तो ऑपरेशन का है क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त। दोस्त एक टर्किश लफ्ज का, टर्किश जबान का लफ्ज है। आज जरा ट्वीट देखें कि टर्किश एम्बेसडर जो इस वक्त भारत के अंदर है, उसने ट्वीट क्या की, और उन्होंने किस तरीके से वहां लोग भी भेजे हैं और सामान भी भेजा है, इतना कुछ सहने के बावजूद। हमारी हुकूमत को भी, हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें, इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। अब बस अगर तो टर्की और मुसलमान इंडिया के कानून भाइयों का को कोई है, रोल नहीं है, लेकिन इंडिया की टीम पहुंची। ठीक है जहां भाई, ह्यूमैनिटेरियन, जहां इंसानी मामला क्राइसिस हो, हो, वहां पर सियासत एक तरफ रख देनी चाहिए। बिल्कुल बकौल वजीर आजम, IMF ने हमें बहुत टफ टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद मुआहिदा अभी तक नहीं हो सका है। या एक दिन और रुक जाते कि आप इसको देख लें जी, लेकिन वो यहां से चले गए और जाके उन्होंने कहा कि आप ही पहले प्रायर एक्शन लें, सारे इकदाम उठाएं, और फिर हम उसके बाद आपसे IMF की बात हो रही जो होगी है वो लगता बात है। करेंगे। भारत इन द फ्यूचर इंडिया राइजिंग पावर। आप उन उनसे उनके साथ अगर आप उन जैसा कुछ कर नहीं सकते, तो कॉपी कर लें, उनसे रिलेशनशिप अपने पहले बोल बेहतर कर चुके लें। हैं IMF का वफ्त आया था, 10 रोज मुजाकरात करके वापस चला गया, वो पैसे जो हमें मिलने थे। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं आज कि अचीव क्या कर रहे हैं, अजीत डोवल क्या अचीव कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर क्या अचीव कर रहे हैं। अमेरिका को भी हाथ में रखा हुआ है, रशिया भी जाते हैं, सालसी आर्बिट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। अचीव क्या करेंगे? परमानेंट सीट एट द नेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी तुम्हारी क्यों काउंसिल। जल रही इंडियन है? ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो, अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था, तो इंडिया शायद यहाँ भी आता। आता क्यों नहीं आता अगर ढंग के रखे होते? जय हिंद। मैं कहता हूँ पार्टीशन करना ही नहीं था ना, क्यों पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा अब 3 अरब डॉलर तो से टू नीचे लेट, गिर गई, टू लेट हो गया। इसीलिए तो उसे नहीं आर्थिक पतन से पूरा बचने के वॉश हो लिए चुके वित्तीय हैं। नहीं, और सहायता साथ में जो और हमारे बेलआउट पैकेज की सख्त जरूरत है, पूर्वजों ने जो सहाय लेकिन ये हम भी नहीं पैकेज भूल उसे सकते। आसानी से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बेलआउट पैकेज पर IMF पाकिस्तान की डील नहीं हो पा रही। IMF ने पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं, जिसे वह मानने के लिए मजबूर है। पाकिस्तानी मीडिया की अभी रिपोर्ट तक माने के क्यों नहीं अनुसार है? तब से मान ही रहे IMF की टीम मजबूर ने है। 10 दिनों के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। 10 दिनों तक IMF की टीम पाकिस्तान में रही, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा हो रही चर्चाओं का कोई नतीजा नहीं निकला। तभी IMF प्रमुख ने बातचीत रोक दी और समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। IMF अपनी शर्तों को लेकर डटा हुआ है। अब पाकिस्तान में एक बार फिर IMF की टीम के बिना लोन दिए वापस लौट जाने से दिवालिया होने की खबरें बढ़ गई हैं। गुड। आपके साथ टर्की इस वक्त जब रशिया के सऊदी अरेबिया के पैरेलल वो इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहते थे टर्किश, तो वो बार बार कश्मीर के खिलाफ स्टेटमेंटें भी देते थे, आपको साथ भी देते थे, आपके साथ खड़े होते थे, क्योंकि इंडोनेशिया और आपको साथ लेके वो सऊदी अरेबिया को काउंटर करना चाहते थे। लेकिन जब जलजला आया है, सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक टर्किश लफ्ज का, टर्किश जबान का लफ्ज है। आज जरा ट्वीट देखें कि टर्किश एम्बेसडर जो इस वक्त भारत के अंदर है, उसने ट्वीट क्या की, और उन्होंने किस तरीके से वहां लोग भी भेजे हैं और सामान भी भेजा है, इतना कुछ सहने के बावजूद। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं आज, किसी के घर में अचीव क्या बर्तन कर रहे हैं, अजीत डोवल क्या अचीव कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर क्या अचीव कर रहे हैं। अमेरिका को भी हाथ में रखा हुआ है, रशिया भी जाते हैं, सालसी आर्बिट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। अचीव क्या करेंगे? परमानेंट सीट एट द नेशनल यूनाइटेड नेशंस। बस यही होता है, ये करने की वो अपना कोशिश गोल कर जस्टिफाई करना चाहते हैं अपनी G20 लीडरशिप से और SEO की लीडरशिप से। आप क्या है आज? आप रशिया नहीं है, आपका NSA मौजूद नहीं है, आप इस वक्त यू आर इन द ICU,
और आपको ब्लड की आपके पास लीडरशिप आज भी मौजूद नहीं, वेंटिलेटर आपका एक भी इस वक्त लीडर, मैं तो खैर उनको किस चीज की लीडरशिप कहनी है, हर सियासी जमात के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है आपके, लेकिन इसके बावजूद उनके मुंह, उनके किसी के मुंह के ऊपर संजीदगी नहीं, किसी को परेशानी नहीं है कि हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे फ्यूचर में। तो आप दूसरा, और ये इनको ये जो मैंने आपको बात बताता हूं, इस वक्त भारत इन द फ्यूचर इंडिया राइजिंग पावर, आप उनसे उनके साथ अगर आप उन जैसा कुछ कर नहीं सकते तो कॉपी कर लें उनसे रिलेशनशिप आपने बेहतर कर, लेकिन उनके साथ आप रिलेशनशिप खराब करके आपने कारोबार पहले करते रहे उस पर, आपने डिफेंस को रखना था बना के, आपने हवा बना के रखना था, आप उसकी आप भारत की नफरत से पैसे बनाते रहे, चले ठीक है करें। देखें दो चीजें हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक पल के अंदर भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं, वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि भारत के अंदर इस एरिया के ऊपर जब से वो मुगलों ने मुगल वहां रहे जुल्म करते रहे जो कुछ भी करते रहे, उनके खिलाफ भी एक एंगर है अगेंस्ट इस्लाम, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी चाहिए इस्लाम, आप उनसे कुछ सीखें, आप ये बिहेवियर चेंज करें कि आपने उनको डिक्टेट करना है, आपने उनको उनको लैंड वापस करना है, तो वो साइज में आपसे बहुत बड़े हैं, दूसरा अफगान भी आपने बहुत आगे जा चुकी है, और सॉरी बोले वो तो चाइना को क्रॉस कर, यूके को क्रॉस कर चुके हैं, आप अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुके हैं, आपने इनसे कुछ नहीं सीखता भाई, अपने पठान भाइयों से कुछ सीख लो जाके, नस्वार की कुछ फैक्ट्रियां लगा लो और कुछ नहीं बनता, लेकिन ये कि आलिया हमारा एटीट्यूड जो है ना, ये जो अच्छा मैं आप दूसरा बताता हूँ, इस वक्त आपके डिसीजन मेकर कौन है, सारे आपके सारे डिसीजन मेकर तो ए लेवल वाले ओ लेवल वाले हैं सारे, आधे एच एसोनियन हैं, दूसरे कराची ग्रामर के हैं, तीसरे हसन अब्दाल वाले हैं, ये 8,000 स्टूडेंट बनते हैं साल के, बाकी सारा पाकिस्तान तो मेरे का इररेलेवेंट। उंगलियों पे गिनवा रही है, बाकी तो फारग है सारा, बाकी ने क्या करना, बाकी बेचारा कुछ अच्छा कुछ टेक्निकल एजुकेशन लेके ऑस्ट्रेलिया कनाडा भाग जाते हैं, दूसरे जो रूरल एरियाज को पैदल चल के इस्तांबुल बैठे हैं, किसी ने आज तक बात अभी की है कि टर्की के अंदर जलजले के अंदर को पाकिस्तानी कितने मरे, किसी ने आज तक बात की इस पर, हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी इलीगल गए हैं वहां, इलीगल, और उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि हमें वो जो मेमोरेंडम है वो हमें मिल गया है। अच्छा मेमोरेंडम ये कल भी बात की थी कि ये अमूमन 48 घंटे पहले मिलता है, ठीक है, मेमोरेंडम यानी भी दस्तखत नहीं हुआ, अभी एक कॉपी इनको मिल गई, एक कॉपी उनको मिल गई, अब ये पीर के रोज, अब वो प्राय उन्होंने कहा है कि पहले आप एक्शन लें, वापस जा रहे हैं और वाशिंगटन से हम जरा आपसे बात करेंगे पीर के रोज जूम पे, पीर क्या होता है, या वर्चुअली जैसे भी होता है, और उससे पहले आपको प्रायर एक्शन लेने, वरना इस तरह से होता है मतलब है कि उनका एक बात ही चल रही थी कि कल रात को वो शेयर हो जाता तो फिर वो रुक जाते, यहाँ पीर तक रुक जाते वो, बिल्कुल संडे मंडे नहीं है, देख लें जी, लेकिन वो यहाँ से चले गए और जाके उन्होंने कहा कि आप ही पहले प्रायर एक्शन दें, सारे इकदाम उठाएं और फिर हम उसके बाद आपसे जो है वो बात करेंगे, और उसके बाद जब वो एक मेमोरेंडम साइन हो जाएगा उसके बाद एक और चीज दरमियान में, यानी मेमोरेंडम और के बाद बोर्ड में नहीं जाएगा मामला, दरमियान में एक लेटर ऑफ कंटेंट भी आ गया, भूल गए। अच्छा अब इसमें जो है ये एक बहुत ही अजब सा मामला, और उसके नतीजे में आज जो ऐलान हुआ वो ये है कि 76 अरब रुपया तो बिजली के ऊपर सरचार्ज लगा दिया गया, और महंगी हो गई, तो देख लो भैया पाकिस्तान की हालत, कॉपी करना चाहते हैं हमें, कर गए देखे हमें कॉपी, मुझे तो पता है जो कॉपी करता है ना बहुत ही गुस्सा आता है, कॉपी कर नहीं सकते ये ऐसी उनकी उनकी नहीं, और उनका वो कहते हैं ना क्या वो वर्ड है, औकात भी नहीं है कि आप कॉपी कर सके, क्योंकि पैसे ही नहीं है कॉपी करने के लिए, कुछ खर्चा करना पड़ेगा, लोगों को कॉपी नहीं कर सकते, लोगों के विचार कॉपी नहीं कर सकते, लोगों का तुम क्या कॉपी करोगे, क्योंकि हमारे थॉट्स इतने हाई हैं, तुम लोग तो मुसलमान और इस्लाम में इस्लामिक कंट्री इस्लाम वालों से तो बाहर ही नहीं निकल सकते, हम लोग तो वैसा कभी सोचते ही नहीं, क्या किसका रिलीजन है क्या नहीं है हमने कभी सोचा ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी वीडियो सुन सुन के हमारे दिमाग में घुसता जा रहा है इस्लाम इस्लाम इस्लाम, और ये जब तक अपनी एजुकेशन वो सही नहीं करते उनका देश डूबता ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर ले, वो लॉन्ग टर्म है उनका, बहुत पहले से अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना शुरू कर देना चाहिए था मगर लग नहीं रहा, वो तो अभी और खराब कर रहे हैं, अब तो और खराब कर रहे हैं, ताकि
और इनकी कंट्री का जो है जो थोड़ा बचा कुछ है वो भी खत्म हो जाए। आप किसी को भी देख लो, वो कभी भी मुसलमान है या हम मुस्लिम है या हम इस्लामिक हैं, मतलब रिलीजन की कुछ ना कुछ उनकी बात में कब आप देखोगे बोलेंगे वो जरूर ही जरूर। उनको इतना उनके अंदर वो डाल दिया गया है कि उसके बियॉन्ड वो सोच ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते। जैसे एक हमने एक पहले देखा था, उसमें ये कह रहे थे कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है कि टर्की में मुसलमानों के हक हैं। मतलब इंडिया इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि मुसलमानों के हेल्प। अगर वो किसी और का कर रहा होता, हिंदू का कर रहा होता या क्रिश्चियन का कर रहा होता तो नहीं अच्छा। उनमें इतना है ही नहीं सोचने का, भैया एक ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनकी हालत खराब है, अर्थक्वेक आया, इंडिया गया, ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमंस को हेल्प कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रिजॉल्व कर रहा है, ये सब काम कर रहा है बिकॉज पीपल आर इन डेंजर, इंसान की हेल्प कर रहा है। उनके माइंड में ये है क्योंकि मुसलमान को हेल्प कर रहा है इसलिए इंडिया अच्छा है। आई डोंट नो कैसे सोचते हैं, तरीका बुरा वाले लोगों का क्या बोल सकते हैं, बताओ कुछ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। उनको बोलो ह्यूमन बीइंग की हेल्प कर रहे हैं, उनको पर्सन इन नीड है उसकी हेल्प कर रहे हैं। उनको इंसान क्या होता है वो नहीं पता, उन्हें से मुसलमान क्या होता है वही पता है। ये दुख की बात, बहुत ही एजुकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये दुख की बात है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।